Hello everyone, this is Deepika. Welcome to R.G.A.D. commerce classes. As we are discussing our types of offer, and we have already discussed the general offer, and now we are going to discuss other types of offer, and in this video we will complete all types of offer. Okay, now number one, and one more request: if you like the videos, please like, share and subscribe, and share with your friends also. Okay, now we are going to discuss number one, special offer. As I earlier told you that a specific offer is given to a specific or particular person, that is a specific offer. For example, A is giving offer to B for purchase of bike for rupees 3 lakh, and for purchase 3 lakh, and B accept A's proposal and said that I agreed, and the contract is made between A and B. That is specific offer. क्या हुआ specific offer हमारा क्या होता है कि हमने बताया था ये particular इंसान को, एक particular इंसान को ये offer दिया जाता है. ठीक है, general people at large या large लोगों को हम देते हैं, print media, advertisement, इनके माध्यम से. ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ही दे सकते हैं, वो अगर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करता है. यहाँ पे हमारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी कि आप अगर मुझे 3 लाख रुपए दोगे तो मैं आपको बाइक दूंगा, तो ए आपको बाइक देंगे, ए बी को बाइक देगा तब. ठीक है, तो बी बोलता है ठीक है, यस आई अग्री, वो एक्सेप्ट कर लेता है. तो दैट इज़ स्पेसिफिक ऑफर. ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ठीक है, दैट इज़ स्पेसिफिक. नाउ क्रॉस ऑफर. व्हाट इज़ क्रॉस ऑफर? क्रॉस ऑफर ओवर हेयर व्हेन टू आइडेंटिकल सेम टर्म्स ऑफर क्रॉसेस ईच अदर इन इग्नोरेंस दैट, देन दिस इज कॉल्ड इन क्रॉस ऑफर. हाँ, फॉर एग्जाम्पल ओवर हेयर ए इज गिविंग एन ऑफर टू बी फॉर सेल ऑफ अ बाइक फॉर रुपीज 1 लाख थ्रू लेटर. A send his message through letter, and B didn't receive any letter. And over here, or in our next example, B is giving similar offer to A for purchase of bike for rupees 1 lakh. That is, both offer are identical over here, and both are crossing each other. That is known as cross offer. क्रॉस ऑफर हमारे ये ऑफ़र होते हैं जिनमें दो आइडेंटिकल ऑफ़र एक दूसरे की इग्नोरेंस में एक दूसरे को सेम ऑफ दूसरा वाला बंदा भी सेम ऑफ़र दे देता है. दैट इज़ क्रॉस ऑफ़र. ए ने बी को अपने कोई भी बाइक सेल करने के लिए 1 लाख की भेजी थी, ठीक 1 लाख की आप मेरी बाइक परचेज़ करोगे. वो उसने सेल अपने करने के लिए किसके माध्यम से भेजा? लेटर के माध्यम से. ठीक है, पत्र के माध्यम से. देन क्या हुआ, बी ने बी को लेटर, कोई भी लेटर रिसीव नहीं हुआ, और बी ने सिमिलर ऑफ़र ए को भेज दिया कि आप मेरी बाइक परचेज़ करोगे 1 लाख की. ठीक है, ओवर हेयर दिस इज़ कंडीशन ऑफ अ क्रॉस ऑफ़र. ठीक है, क्लियर है. और नाउ नंबर फोर्थ इज़ काउंटर ऑफ़र. नाउ काउंटर ऑफ़र इज़ दैट ऑफ़र इन विच रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफ़र इज़ मेड. That rejection of original offer is made, and that is conditional. Over here, for example, A is sending a message to B to sell his plot for rupees 20 lakh, and B said, yes, I agree, and he said, I purchase your plot not at 20 lakh, I will purchase your plot at 18 lakh. ठीक है, तो over here he is giving an counter offer. huh? okay, counter offer हमारे वो offer हैं. A ने B को अपना plot purchase करने के लिए कहा कि आप मेरा plot purchase करोगे 20 lakh का, तो B ने बोला yes I agree, but 20 lakh का नहीं, मैं 18 lakh का purchase करूँगा. that is counter offer. काउंटर ऑफ़र को एक तरह से हम याद रख सकते हैं कि काउंटर ऑफ़र हमारे जो दूसरी पार्टी है वो डिस्काउंट करके बोलती है. क्रॉस ऑफ़र में सिमिलर ऑफ़र ए भी देता, दोनों पार्टी सिमिलर ऑफ़र देती है. एक पार्टी तो पहले दे ही चुकी है, दूसरी सिमिलर ऑफ़र दे देती है इग्नोरेंस में. उसे पता नहीं होता है कि पहली पार्टी ने हमें यही भेजा है ऑफ़र. ठीक है, स्पेसिफिक मैंने बता दिया ना. लास्ट वन और डिस्कस कर लेते हैं,
स्टैंडिंग ऑफर वैलिड फॉर लॉन्ग टर्म, स्टैंडिंग ऑफर हमारे कब के लिए वैलिड होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए वैलिड होते हैं. एन ऑफर विच इज़ अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर. जो ऑफर हमारे लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक वैलिड रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूइंग स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर बोलते हैं. उसकी वैधता, उसकी वैलिडिटी 2-3-4-5 दिन के लिए नहीं, मतलब जब ऑफ़र दिया जाता है उससे लंबे समय तक वैलिड रहती है. फॉर एग्जांपल टेंडर, टेंडर हम इनवाइट करते हैं तो उसमें क्या होता है, टेंडर लॉन्ग टाइम के होते हैं तो ये हमारे स्टैंडिंग ऑफर में आते हैं. टेंडर दैट इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ अ गुड, गुड्स की सप्लाई के लिए जो टेंडर ऑफर किए जाते हैं वो एक तरह से हमारा स्टैंडिंग ऑफर होता है. वेरी वेरी क्लियर, आई होप ये टाइप्स ऑफ ऑफर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे. नाउ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग.